के बांद्रा में रिजवी ग्रुप के हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन द्वारा 27 जून 2021 को रिजवी एजुकेशन के सहयोग से समाज के पुलिस स्टाफ, विकलांग लोगों के लिए एक मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। वैसे हम आपको बता दें कि इन दिनों पूरे देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। टीकाकरण अभियान का समापन समारोह आज हुआ। इस अवसर पर राजनीतिक पार्टियां, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन के कई जाने माने चेहरों ने इस समापन समारोह की शोभा बढ़ाई। उद्योग, बॉलीवुड और टेलीविजन हस्तियों में शर्लिन चोपड़ा, अर्शी खान, पूनम पांडे, पायल घोष, सिंगर रामजी गुलाटी, अदनान जैसे टिकटॉकर्स, शेख BTW, लक्की, सद्दू अमन फर्नीचर वाला, अमीर सिद्दीकी, फैजल सिद्दीकी मौजूद रहे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेहमान श्रीमती शर्मिला ताई राज ठाकरे, बाला नांदगांवकर, श्री हाजी सेफ शेख, हर्ष गुप्ता, श्रीमती रीताताई गुप्ता इस मौके पर मौजूद रही। टीकाकरण का समर्थन करने के लिए टीका केंद्र में मौजूद रहे श्रीमती रूबीना अख्तर हसन रिजवी, कई लोगों को मुफ्त टीका प्रदान कराई। ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया और पीपल विथ के प्रयासों से संगठित नेत्रहीन लोग, पुलिस स्टाफ, विकलांग लोगों को टीकाकरण किया गया। टीकाकरण लगवाने आए लोगों को फूड पैकेट भी दिए गए। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने रिजवी कॉलेज के बारे में और उनके प्रयासों के बारे में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से पुलिस वाले हो गए या हैंडीकैप लोग हो गए या जो ब्लाइंड लोग हैं, ऐसे लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, एक तरह से इंस्टीट्यूट दिया जा रहा है, सामाजिक तौर पे भी यहाँ पर लोग सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल हर एक खुद का वैक्सीनेशन करता है, लेकिन लोगों के लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात है। और आज के टाइम जब पैंडेमिक है, द वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। The main thing is she had not taken a vaccine. I was shouting at her.
केम फॉर दैट, बिकॉज यू नो इवन लास्ट टाइम मैंने केम शेयर की बन एम्बुलेंस फॉर द कैंसर, तो ये लोग हैं वो सिर्फ दूसरों की सोचते हैं, सो आई लाइक टू कम फॉर द सर्च. मैम लगता है कि जो जो कर लो मैंने बिकॉज कोरोना तो कंटिन्यू शर्ट है, तो अगर हमको भारत खोलना है फिर तो जितना वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा उतना डॉक्टर जाएगा. जो जो कंट्री में डॉक्टर होगा है लाइक जैसे लंडन हो, इसराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उधर 60-70% ऑफ वैक्सीनेशन हो गई है, इसीलिए वो कंट्री ओपन कर चुकी है. तो अगर हमको कंट्री ओपन करनी है तो वैक्सीनेशन एक्चुअली वेरी फास्ट. हम और क्वेश्चन मान आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे यूट्यूब हो या कोई भी माध्यम से, तो लोगों को अवेयरनेस आएगा कि कैसे लोग काम करते हैं और हमको कैसे करना है. बहुत लोगों को ऐसा होता है कि काम करना है लेकिन पता नहीं होता कैसे काम करना है, तो ट्राई यू नो ये जो आज उन्होंने जो काम किया है वो टीवी के माध्यम से या यूट्यूब या बहुत चैनल्स में उसके माध्यम से जितने लोगों तक जाएगा उतना लोगों को भी समझा कि कैसे लोगों की मदद दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए. लगता है अच्छे काम के लिए, सॉरी अच्छे काम के लिए कोई पार्टी की शर्त नहीं होती है. वी ऑल सपोर्ट एमएलए शिवसेना कांग्रेस बीजेपी एनी पार्टी विल सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी इज इन सच अ गुड जॉब. सॉरी ऐसी नहीं की बात का जवाब दी आज भाभी पूरे ईयर आपके सामने मैं वैक्सीनेशन लूंगी क्योंकि आज के दिन मैं रुकी भी इसीलिए थी क्योंकि टुडे 27 जून टुडे आई विल फ्रॉम अ डॉक्टर टू अ वाइफ वुमेन एंड फाइनली ऑन 27 जून आई बिकेम अ मदर. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड हूएवर दे आर लिसनिंग please go and vaccinate yourself. I waited for this day because I wanted to gift my daughter today. Wow. Agar main surakshit hoon to main kaha hoon jab tak jiyungi uski hifazat karungi. To har maa ko salaam hai aur har maa ko ye request hai jo mujhe sun rahe hain online sun rahe hain youtube par sun rahe hain please jaiye apne nahi apne apne liye nahi apne bachchon ke liye vaccinate kijiye apne aap ko ताकि आप हिफाजत से रहेंगे तो आप उनकी हिफाजत करेंगे. कहते हैं ऊपर अल्लाह और नीचे माँ है. दिस इज एन अपील टू ऑल द मदर्स हु आर लिसनिंग टू मी. एंड सर आई हैव गॉट अ पार्टी एंड दैट इज माय स्टी पार्टी. आई कॉल ऑल द पार्टीज टू माय टी पार्टी बिकॉज आई एम ह्यूमन एंड आई लव बीइंग ह्यूमन. सो यहाँ जो भी इस कॉज से जुड़े हैं जैसे आपने देखा तो आप इस नज़रिए से ना देखिए कि ये पार्टी है वो पार्टी है, आप इस नज़रिए से देखिए कि कितने ह्यूमन नहीं हैं और अपनी ह्यूमैनिटी लेकर ये यहाँ तक आए इस सोशल कॉज को बढ़ाने के लिए. वक्त देना आसान नहीं और आज वो अपना वक्त दे रहे हैं, लोगों को सराह रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वन टू वन कनेक्ट हो रहे हैं. दैट मीन्स पेंडेमिक ने हमको एक चीज़ सिखा दी है सर. सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी रुबीना जी का और रजवी सर का और इन सर सैफ सर का भी जो इन्होंने मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया है. मैंने देखा कि कैसे डिसेबल्ड लोगों को, ब्लाइंड लोगों को और स्पेशली एबल्ड लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, कोविड वैक्सीन. और ये देखकर मैं सच में भावुक हो गई क्योंकि आज इस दौर में मैम और सर इन लोगों के बारे में सोच रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव इन लोगों के लिए आयोजन किया है. ये एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात है. थैंक यू सो मच मैम. एंड जी देखिए उन तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी जो वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि यदि आप समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप बुरा ना करें, लोगों की ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ मत करें. ऐसे कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम वैक्सीन डोज लगवाएं. क्यों नहीं चाहते वो लोग मुझे समझ में नहीं आता. आप क्यों लोगों के दिलों में और उनके दिमागों में शक और डर और भय पैदा कर रहे हैं? क्यों आपको रुबीना मैम की तरह आगे आकर एक वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन करना चाहिए? चलो ठीक है हम सबके बस की बात नहीं है लेकिन जो कर रहे हैं उनको आप बढ़ावा दे सकते हैं. आप आगे आकर दो अच्छे शब्द कह सकते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में. मैंने ये फर्स्ट डे से हमसे जुड़े हैं
अल्हम्दुलिल्लाह जो अरेंजमेंट्स आपने देखा है इतना बेहतरीन अरेंजमेंट कंपेयर करने की बात नहीं है, शायद कहीं नहीं होगा। आप लोगों ने अगर वो जो टेक अवे बैग देखा होगा आफ्टर वैक्सीनेशन, उसमें इतना सामान है कि ऑलमोस्ट एक लंच हो जाता है, इतना सारा सामान दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वैक्सीन दे रहे हैं बस से पिकअप करके वैक्सीन सेंटर तक लाना सिस्टमेटिकली, उसके बाद उनको वापस उनके घर पहुंचाना, ये कितनी बड़ी बात है, उसमें कितना एफर्ट, कितना मैन पावर लगा है, कितना अरेंजमेंट्स, और पर्टिकुलरली हमारी रिजवा एडवोकेट रुबीना अख्तर रिजवी साहिबा, इन्होंने इतना बेहतरीन अरेंजमेंट किया हुआ है। खुद मैं इस इवेंट का पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ, मैंने खुद मेरे आँख से नोटिस किया कि एक प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टेइंग ऑन द ग्राउंड एंड एग्जीक्यूटिंग दिस डॉट टू डॉट, यू नो, पिन टू पिन रादर देन ये चीज़ कहाँ रहेगी, वो चीज़ कहाँ रहेगी। आज एक हफ्ते से मैडम इज सो ऑक्यूपाइड, शी हैज टू मैनेज सो मेनी थिंग, बट नो, दिस रूमी केयर हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन इज वेरी क्लोज टू हर हार्ट। सो एंड सेकेंडली, जनरली कोई स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए नहीं सोचता है, कोई जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए नहीं सोचता है, जो डेस्ट्यूटेड है उनके लिए तो कोई भी नहीं सोचता है। मैडम ने अरेंज किया वहाँ से उनको पिकअप करना डेस्ट्यूटेड होम से, ओल्ड एज होम से, और उसके बाद यहाँ पे उनको वैक्सीनेट कराना। इट्स अ वंडरफुल कॉज एंड इंशाल्लाह अल्लाह विल डेफिनेटली ब्लेस द एंटायर रिजवी ग्रुप, डॉक्टर रिजवी साहब एंड मैडम रिजवी मैडम, थैंक यू वेरी मच। पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ नई चीज़ थी। स्टार्टिंग के 15 दिन तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बट देन एज ए डॉक्टर इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें एक निर्णय लेना पड़ा कि आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए कोविड वॉरियर इन वन ऑफ द कोविड सेंटर्स। एंड शुरुआत में डेफिनेटली फैमिली वेर नॉट वेरी कीन टू सेंड, बट देन जैसे मैंने कहा एज ए डॉक्टर एंड सपोर्ट फ्रॉम माई वाइफ एंड नो आई वुड डेफिनेटली से दैट रुबीना मैम हैज़ डेफिनेटली सपोर्टेड इन माई डिसीजन एंड मैंने वो कोविड वॉरियर चालू किया। वी सर्व्ड द पीपल फॉर ऑलमोस्ट आई वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट 120 days, सो 4.5 महीना मैंने कोविड सेंटर में स्टेइंग इनसाइड विद द कोविड पेशेंट्स फॉर ऑलमोस्ट 8 to 12 hours ऑफ ड्यूटी विद द PPEs ऑन एंड आई वुड से समर्स थी तभी, तो फर्स्ट वेव में नॉर्मली ACs और वो सब नहीं चालू थे। जब बाहर निकलते तो ऐसा लगता था कि ऑलमोस्ट 2 kilo वजन उतना कम हो गया है, बिकॉज यू नो ना पानी पीना है ना कुछ खाना है, तो 6 घंटा 8 घंटा हम कंटिन्यूसली उसमें काम करते थे। ग्रेजुअली वो फियर निकलते गया, बिकॉज जैसे हम देख रहे थे कि पेशेंट ठीक होके जा रहे थे, सेटिस्फेक्शन मिलता था, नो यू गेट दैट सेटिस्फेक्शन की कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, भारत के लिए, पूरे देश के लिए, तो वो मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था। और बीच में हमको जब वहाँ पे सेंटर में फेस शील्ड्स और PPE किट्स की कमी हो गई थी, तब आई जस्ट कॉन्टेक्टेड रुमीना मैम एंड शी वॉज वेरी काइंड टू सेंड द फेस शील्ड्स एंड द PPE किट्स फॉर द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ देयर, थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल जेस्टर। एंड इनका सपोर्ट वैसा था कि आपको वहाँ पे कुछ भी नीड है तो प्लीज़ लेट मी नो, हम आपको सपोर्ट वहाँ पे डेफिनेटली करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें वहाँ पे सेंटर्स में सपोर्ट की, थैंक यू वेरी मच। सर ये जानना है कि माइंड जिस तरीके से कोविड पेशेंट होता है उसका माइंड डाइवर्ट करना सबसे बड़ी बात इस समय, तो आपने उन्होंने कैसे किया? सी बेसिकली जब हम राउंड्स पे जाते थे अंदर कोविड पेशेंट्स के साथ में, तो वी यूज टू इंटरेक्ट विद देम जब एक एज ए फैमिली मेम, बिकॉज क्या था दिन भर वो अकेले आइसोलेशन में है, तो माइंड सेट जो उनका रहता है वो एक डिप्रेसिव सॉर्ट ऑफ रहता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें गाँव के बाहर निकाल दिया है, कोई मिलने नहीं आ रहा है। सो वी यूज टू इंटरेक्ट विद देम, हम जो हमारी पूरी टीम थी डॉक्टर्स की और सिस्टर्स की, तो हम हमेशा उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। एंड वी यूज टू यू नो रूम्स में टीमी था, हमारी जो वहाँ की सिस्टर्स थी वो एवरी टाइम जब ग्राउंड पे जाती थी तब उनके साथ गेम्स खेलती थी, यू नो दे यूज टू परफॉर्म सम एक्ट और सम गेम्स उनके साथ खेलते थे। ट्रस्ट मी, PPE पहन के ये सब चीज़ करना इज रियली रियली डिफिकल्ट, बट देन यू नो वी थॉट कि प्रोबेबली ये चीज़ों से उनका अगर मेंटल हेल्थ अगर बेटरमेंट होता है। योगा क्लासेस वहाँ पे होता था, ऑनलाइन योगा क्लासेस हम करते थे, नो डाउट BMC के थ्रू भी होता था ये ऑनलाइन योगा क्लासेस दे यूज टू डू, तो ये सब मेडिटेशन योगा ये सब से उनका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता था। यस, पहले तो रुबीना को और रिजवी साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और इतने बड़े काम के लिए ये लोग खड़े हुए हैं, और आज की तारीख में पैंडमिक के लिए आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू कि मैं यहाँ पर आकर इसका हिस्सा बनी हूँ, रियली आई रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू।